नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को लेकर। बता दें कि राहुल गांधी आज सुबह सुबह हरियाणा के झज्जर जिले के स्थित छारा गांव पहुंचे। वहां राहुल ने वीरेंद्र आर्य अखाड़ा जाकर बजरंग पुनिया समेत अन्य पहलवानों से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। हालांकि माना जा रहा है कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी संघ पहलवानों की मुलाकात की कई तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अखाड़े से राहुल की तस्वीर सामने आई जिसमें उन्हें पहलवानों के साथ बैठा हुआ देखा जा सकता है। राहुल ने ऐसे समय में पहलवानों से मुलाकात की जब पहलवानों और केंद्र सरकार के बीच काफी ज्यादा बड़ी लड़ाई देखने के लिए मिल रही है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने हाल ही में WFI की नई संस्था को रद्द किया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नव निर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह को भी सस्पेंड कर दिया। संजय सिंह को बीजेपी सांसद और WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह का करीबी माना जाता है और ब्रिजभूषण पर इन्हीं महिला पहलवान खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया ने जब बजरंग पुनिया से पूछा कि कांग्रेस नेता यहां किस लिए आए थे, तो इसके जवाब में बजरंग पुनिया ने कहा वे हमारे रोजमर्रा के कुश्ती रूटीन को समझने और देखने के लिए आए थे। उन्होंने कुश्ती भी लड़ी और एक्सरसाइज भी की। पुनिया ने आगे बताया कि राहुल ने उनके साथ ही कुश्ती की है और वे हमारे यहाँ एक पहलवान की दिनचर्या को देखने आए। पुनिया ने ये नहीं बताया कि राहुल से उनकी क्या कुछ बातचीत हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी अब पहलवानों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी से पहले उनकी बहन और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहलवानों से मुलाकात करती हुई नजर आई थी। ऐसे में राहुल संघ पहलवानों की मुलाकात कई बड़े कयास लगाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।